नीचे दिया गया वर्ग एक पूर्ण को दर्शाता है छायांकित भाग कितने दशमलव को दर्शाता है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ग है ये एक पूरी संख्या को दर्शाता है और इस पूरी संख्या को हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बराबर भागों में बांटा हुआ है तो दस भागों में से हमने यहाँ पर नौ भागों को छायांकित किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग यहां पर नौ बटा दसवा हिस्सा है लेकिन हमें इसे एक दशमलव के रूप में लिखना है और हमें पता है कि नौ बटा दस नौ दशांश को दिखाता है नौ दशांश का मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पूरा तो कुछ भी नहीं है यानी कि शून्य पूर्ण संख्या है और इसके अलावा दशांश को दिखाने के लिए हम यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं और इसके बाद दशांश के स्थान पर आएगा नौ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नौ हिस्से छायांकित थे दस में से चलिए उत्तर की जाँच करते हैं जी हाँ ठीक अगला प्रश्न हल करेंगे तो अब यहां पर इन दोनों वर्गों में हमारे पास एक पूरा वर्ग है हमने एक पूरे वर्ग को छायांकित किया हुआ है तो इसको दिखाने के लिए मैं एक लिख दूंगी और इसके बाद ये जो दूसरा वर्ग है इसमें से कुछ भाग छायांकित है तो इस कुछ भाग को दिखाने के लिए मैं दशमलव बिंदु लगाऊंगी और अब इस वर्ग में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बराबर हिस्से हैं जिसमें से एक भाग छायांकित है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बटा दसवा हिस्सा अगर मुझे इसे ऐसे लिखना होता तो मैं कहती एक बटा दसवा हिस्सा यहाँ पर छायांकित है लेकिन हमें इसे एक दशमलव के रूप में लिखना है और हम जानते हैं कि ये दशांश को दिखा रहा है और यहाँ पर हमने एक दशांश को छायांकित किया हुआ है तो मैं दशमलव के बाद एक लिखूंगी ये दिखाएगा एक दशमलव एक को जो हमारे इस छायांकित भाग को दिखाता है जी हाँ बिल्कुल ठीक अगला प्रश्न हल करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ग है इसमें कुल कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं चलिए गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ऊपर से नीचे की ओर दस भाग हैं और दाई से बाई और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और दाई से बाई और भी इसमें दस भाग हैं तो हम कह सकते हैं कि कुल यहाँ पर छोटे छोटे सौ वर्ग हैं और उन छोटे छोटे सौ वर्गों में से हमने एक वर्ग लिया हुआ है यानी कि हमने एक वर्ग को छायांकित किया है सौ वर्गो में से और ये चीज हमें बताती है कि हमारे पास एक शतांश है शतांश मतलब होता है सौवा हिस्सा और हमारे पास यहाँ पर सौवे का एक हिस्सा है इसलिए हम इसे एक शतांश कह सकते हैं और दशमलव रूप में हम इसे शून्य दशमलव शून्य एक लिखेंगे ये बराबर होता है एक शतांश के जी हाँ बिल्कुल ठीक अगला प्रश्न हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ग हैं और इन तीन वर्गों में से दो वर्ग पूरी तरह छायांकित हैं, यानी कि हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं इसको मैं दो लिखूंगी यहाँ पे और यहाँ पर ये जो तीसरा वर्ग है इसमें से कुछ भाग छायांकित है तो ये हमारे दशमलव वाले हिस्से को दिखाएगा इसके लिए मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूंगी ठीक है और यहाँ पर इन सौ छोटे छोटे वर्गों में से तीन वर्ग छायांकित हैं तो तीन वर्ग सौ वर्गो में से हमें तीन शतांश को दिखाते हैं तो इसको मैं दो दशमलव शून्य तीन लिख सकती हूँ करेंगे बिल्कुल ठीक अगला प्रश्न हल करते हैं चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक पूर्ण वर्ग है और इसमें कुल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस बराबर भाग हैं और दस बराबर भागों में से हमने यहाँ पर सात भागों को छायांकित किया हुआ है तो हमारे पास कोई भी पूरी संख्या नहीं है बस एक छोटा सा टुकड़ा है एक पूरे संख्या का। तो यहाँ पर हमारे पास सात बटा दसवां हिस्सा है और सात बटा दसवां हिस्सा हमें सात दशांश को दिखाता है दशांश का मतलब होता है दस का अंश तो हमारे पास यहाँ पर सात दस के अंश है और इसे हम लिख सकते हैं दशमलव रूप में शून्य दशमलव सात के बराबर चलिए उत्तर की जांच करेंगे बिल्कुल ठीक और हमने सभी प्रश्नों को सही सही हल कर लिया है